नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश की खबरों में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा भी हुई है। वहीं चर्चा के बाद कई प्रस्तावों को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। संविदा कर्मचारियों की महापंचायत की भी घोषणाओं की कैबिनेट में मंजूरी मिली है। वहीं आपको बता दें कि 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को भी सौगात मिली है। 4% डीए और जनवरी से जून तक 2023 तक 6 माह का एरियर दिए जाने को कैबिनेट में मुहर लग गई है। वहीं इसी तरह 21 साल की उम्र में लाडली बहना योजना का लाभ भी मिलेगा और ट्रैक्टर धारक परिवार वाली महिलाओं को भी योजना का लाभ दिए जाने को लेकर कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। वहीं 10 सितंबर की किस्त को का लाभ मिलेगा। आज कर्मचारियों की दृष्टि से आज सड़कों में लगभग क्रांतिकारी निर्णय हमारे लाडली बहना की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुए। आज के निर्णय में विभिन्न विभागों में जो संविदा नियुक्त हमारे कर्मचारी अधिकारी थे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संविदा की महापंचायत में घोषणाएं की थी, उनकी वेतन के संबंध में, उनकी छुट्टी के संबंध में जो मूल बातें आई थी, अनुबंध की प्रक्रिया की, नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ की, स्वास्थ्य के बीमा की, अनुकंपा नियुक्ति की, रिटायरमेंट और ग्रेजुटी की, और नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश और महिलाओं को मातृत्व अवकाश जैसी अनेक मांगें जो आई थी और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी महापंचायत में घोषणा की थी, आज कैबिनेट के द्वारा उन सभी को मंजूरी दे दी गई है। आज जो महंगाई भत्ते की बेहद ही 4% की वृद्धि करने की, वो आज कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, 38+4=42% भारत सरकार के बराबर अब महंगाई भत्ता हमारे यहाँ के कर्मचारियों को मिलेगा। उज्जैन में महाकाल की सवारी के दौरान श्रद्धालुओं पर थूकने वाले आरोपी को पुलिस ने सबक सिखाया है। प्रशासन की संयुक्त टीम ढोल ताशे के साथ टंकी चौक पर पहुंची और आरोपी के घर पर अवैध अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान मौके पर भारी जो है वो पुलिस फोर्स तैनात रही। आपको बता दें कि सावन के दूसरे सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई थी। इस दौरान जब सवारी गोपाल मंदिर के पास टंकी चौक पहुंची तो यहां घर की छत से 3 युवकों ने भक्तों के ऊपर पानी पीकर थूकना शुरू कर दिया था, जिसका एक वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि पिछले दिनों एक बहुत बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, जिनके खिलाफ विधि सम्मत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया और उक्त आरोपियों की गिरफ्तारी तत्काल सुनिश्चित की गई। उक्त आरोपियों के बारे में जानकारी नगर निगम और रेवेन्यू की टीम को दी गई थी। नगर निगम की टीम और रेवेन्यू की टीम द्वारा उनके द्वारा किया गया अवैध अतिक्रमण चिन्हित किया गया और आज उसे हटाने की कार्रवाई नगर निगम की टीम, रेवेन्यू की टीम और पुलिस प्रशासन द्वारा की गई। बहर में स्कूल के छात्र पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि बीते साल शालेय खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत शालेय राज्य स्तरीय ताइक्वांडो, जूडो, कराटे, शूटिंग, कुराश आदि प्रतियोगिता में स्कूल के खिलाड़ी छात्र छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर मेडल अर्जित किए थे। इस शिक्षा सत्र में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित एक राज्य स्तरीय वित्तीय साक्षरता प्रश्नोत्तरी परीक्षा भोपाल में छात्रा अलमास अली और आयुष नागेश्वर ने विद्यालय का प्रतिनिधित्व किया था। इंदौर के मांगलिया व्यापारियों की समस्या एवं सुरक्षा संबंधी बातों को ध्यान में रखते हुए पिछले कई वर्षों से मांगलिया क्षेत्र में व्यापारिक संगठन के निर्माण की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, लेकिन व्यापारियों के आपसी तालमेल की कमी के चलते संगठन का गठन नहीं हो पा रहा था।
अब मांगलिया क्षेत्र के कुछ युवा दुकानदारों ने अपने कंधों पर व्यापारिक संगठन के निर्माण का बीड़ा उठाया है, जिसे धरातल पर लाने के लिए शाम को कई युवा दुकानदारों ने सामूहिक रूप से एकत्रित होकर क्षेत्र के दुकानदारों से इस संबंध में चर्चा की है। चर्चा के दौरान दुकानदारों ने निर्णय लिया है कि अगले एक दो दिन में सभी व्यापारी बंधुओं को एकत्र कर बैठक का आयोजन किया जाए, जिसमें संगठन के निर्माण पर चर्चा कर आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस दौरान युवा दुकानदारों ने सभी दुकानदारों की एक सूची तैयार की, जिसमें सभी दुकानदारों के नाम एवं मोबाइल नंबर दर्ज किए गए। गौरतलब है कि मांगलिया क्षेत्र इंदौर की शहरी सीमा से लगा होने के कारण एवं आसपास कई कारखाने होने के कारण यहां पर आर्थिक गतिविधियां हमेशा बनी रहती है, जिस कारण व्यापारियों की समस्याओं को उठाने वाले संगठन की कमी लगातार महसूस की जा रही थी, जो कि अब पूरी होती दिखाई दे रही है। मांगलिया में व्यापारी लोग को देखते हुए हम ये सोच रहे हैं कि एक दिन का अवकाश, जो कि सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सुरक्षा व्यवस्था को भी देखते हुए हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम चार गाड़ी की नियुक्ति कराएं जो रात में पूरे मांगलिया क्षेत्र को। मांगलिया का व्यापार बहुत मार्केट बहुत बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और उसको देखते हुए यहाँ पर एक अवकाश की बहुत ज़रूरी है, हफ्ते में एक अवकाश बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए हम सब सारे व्यापारी इकट्ठा हुए हैं और सभी व्यापारियों के पास जाकर निवेदन कर रहे हैं और एक संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब मांगलिया के व्यापारी लोग हैं और नई युवा पीढ़ी है, हम सब चाहते हैं कि एक संगठन बने, एक ग्रुप बने जो व्यापारियों की समस्याओं को ध्यान में रखे, सुरक्षा को ध्यान में रखे, और साथ में कुछ उसमें छुट्टी का अवकाश का प्रावधान भी हम रखने का सोच रहे हैं कि हम परिवार वालों को समय दे नहीं पाते हैं बिजनेस के सिलसिले में। हम सारे व्यापारियों मिलकर एक संगठन बना रहे हैं, जिसमें सारी दुकानें एक दिन के लिए अवकाश रहेगा, और एक एक दुकान जाकर संपर्क कर रहे हैं कि आप अपनी राय देंगे किस दिन। मंदिर अब खबर जबलपुर से है, जहां रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में नेचुरल लॉ के ऊपर एक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन ने बच्चों को नेचुरल लॉ के ऊपर उद्देशन दिया। उन्होंने बताया कि आप बालकों को अभी आगे बहुत तरक्की करनी है, तो ऐसे में आप अभी से अपने आप को तैयार करें, असफलता मिलने पर भी हताश और निराश ना हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हूं मैं, आपके साथ अपने न्याय क्षेत्र में हमेशा गरीबों और असहाय लोगों की मदद के लिए तत्पर रहे। वहीं नेचुरल लोगों को सरल सुविधा से न्याय देने की एक प्रक्रिया है। इस अवसर पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति कपिल देव मिश्र ने भी सभी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन एक संघर्षशील व्यक्ति है, जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कठिन परिस्थितियों का मुकाबला कर एक मुकाम हासिल किया है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के विधि संकाय द्वारा आज चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति श्री राजेंद्र मेनन जी द्वारा विद्यार्थियों को नई ऊर्जा न्याय के क्षेत्र में कैसे प्राप्त हो, उन्होंने बताया कि असफलता से सफलता कैसी मिलती है, प्रत्येक जो विधि का विद्यार्थी है वो अपने को समाज और राष्ट्र जीवन के लिए कैसे उपयोगी प्रमाणित कर सकता है। नेचुरल जस्टिस पर उनका व्याख्यान हुआ और अत्यंत सारगर्भित और गहराई से लिए हुए शोध परक। इंस्टाग्राम के माध्यम से चाइल्ड पोर्न के मामले में इंदौर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, और एक साथ इंदौर के 8 थानों पर चाइल्ड पोर्न वीडियो को इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल करने के मामले में प्रकरण दर्ज किया है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी करने की बात कही है, और आने वाले दिनों में कई थानों पर इस तरह के प्रकरण दर्ज कराने की पुलिस के द्वारा बात कही गई है। दरअसल आपको बता दें कि नेशनल क्राइम ब्यूरो से मिली एक रिपोर्ट ने पिछले दिनों जांच पड़ताल करते हुए एक रिपोर्ट इंदौर पुलिस को दी थी,
और उस रिपोर्ट के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि एक नंबर के माध्यम से इंदौर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चाइल्ड पॉर्न वीडियो को इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से वायरल किया जा रहा है। वहीं डीसीपी आदित्य मिश्रा ने कहा है कि जो नंबर उन्हें मिला है उसकी काफी बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। खबर इंदौर से है जहां पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में एक केस दर्ज किया है। इंस्टाग्राम के माध्यम से पुलिस को यह जानकारी मिली थी, जिसके बाद से पुलिस ने इस वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए अलग अलग थानों में मामला दर्ज किया है। इंदौर में जो जोन वन क्षेत्र है वहां पर नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन की एक टिपलाइन करके रिपोर्ट्स आती थी, जो कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये लोग इसके माध्यम से ये रिपोर्ट जनरेट करते हैं, जिसमें जो इनके सॉफ्टवेयर हैं या लोगों के द्वारा जब कोई मार्क किया जाता है कि ये जो कंटेंट है चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट है और चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन और मिसयूज को प्रदर्शित करता है, इसके संबंध में जानकारी एकत्रित होकर पूरे इंडिया लेवल पे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो NCRB है उसको मिलती है। उसके बाद वो स्टेट पुलिस को साझा करते हैं उसकी जांच करने के बाद उस पर अपराध पंजीबद्ध करने में। अब खबर इंदौर से है जहां जिला न्यायालय के विशेष समुदाय युवती द्वारा लगाए गए हिंदू युवक पर दुष्कर्म ब्लैकमेल के आरोपी युवक को दोषमुक्त किया गया है। दरअसल विशेष समुदाय युवती द्वारा परदेशीपुरा थाना पर हिंदू युवक के ऊपर ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म की FIR दर्ज कराई गई थी। वहीं एडवोकेट कृष्ण कुमार कुनहरे ने तर्क सुनते हुए कोर्ट ने दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के आरोप में युवक को दोषमुक्त किया है। एडवोकेट कुनहरे की माने तो कोर्ट में युवती के बयान को संदेहास्पद मानते हुए कोर्ट ने माना है कि अलग अलग धर्म से होकर शादी संभव न होने की जानकारी के बाद भी आरोपी के साथ फरियादी द्वारा शारीरिक संबंध बनाने के लिए दी गई सहमति दूषित सहमति न होकर स्वतंत्र सहमति है। ये परदेशपुरा थाना क्षेत्र का मामला है। इसके अंतर्गत एक युवती जो कि वर्ग विशेष की मुस्लिम समुदाय की युवती, इसके द्वारा 23 मई 2020 को हिंदू वर्ग के हमारे पक्षकार युवक के खिलाफ आरोपी स्वदीप कुशवाहा के विरुद्ध उन्होंने एक FIR लिखाई थी कि आरोपी से मेरी पहचान सोशल मीडिया के माध्यम फेसबुक के माध्यम से हुई थी और उसके बाद में प्रेम प्रसंग होकर इसने मेरे फोटो आपत्तिजनक फोटो लिए और मुझे ब्लैकमेल करके मेरे साथ लगातार बलात्कार करा। इसके बाद में फिर युवती ने इसी स्क्रिप्ट को इसी कहानी को कोर्ट में कुछ अलग रूप से बताया कि इसके अलावा फिर आरोपी उसको ओंकारेश्वर भी ले जाता था, खंडवा भी ले जाता था, वहाँ के होटलों में श्रीलाज में ले जाकर भी बलात्कार करता था। खबर पुनासा दुधावास गांव से है जहां शासकीय माध्यमिक शाला के अतिरिक्त भवन के कक्ष का स्लैब टूटकर जमीन पर आ गिरा। गनीमत रही कि यह हादसा रात के समय हुआ, अगर दिन के समय होता और बच्चे इस वक्त भवन का उपयोग कर रहे होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग का बनाया गया ये अतिरिक्त कक्ष कुछ सालों में ही इस हालत में आ गया है। हादसे को लेकर लोगों का कहना है कि निर्माण के समय गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया गया था। वहीं शिक्षकों का कहना है कि इस स्कूल में 43 बच्चे पढ़ते हैं, अगर दिन में ये हादसा होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। मैं कल इस स्कूल में आया था कुछ काम से, तो मैंने यहाँ के अतिरिक्त कक्ष का निरीक्षण किया। मैं वैसे मैं एक ग्राम पंचायत दुधवास में पंच प्रतिनिधि हूँ। इस हिसाब से मैंने देखा तो यहाँ पे वो स्कूल के अतिरिक्त कक्ष में उसकी छत से सीमेंट के वो जो लगे हुए रेत का माल रहता है वो नीचे गिर गया है और वो क्षतिग्रस्त हो गया। अगर खुदा न खास्ता वहाँ कोई बच्चा अगर पढ़ाई करते वक्त अगर वो गिरता तो वहाँ दुर्घटना हो सकती थी। तो मेरा शिक्षा विभाग से, ग्राम पंचायत से, सब जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि उसको ध्यान दिया जाए।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रेम जैन नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद महेश कुशवाहा की ओर से शाजापुर जिले में आंगनवाड़ी केंद्र अयोध्या बस्ती में दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि दस्तक अभियान के दौरान बच्चों को विटामिन ए पिलाई गई, साथ ही ORS के पैकेट का वितरण भी किया गया। दस्तक कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे जिले में 5 साल तक के समस्त बच्चों का घर घर भ्रमण कर स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास के संयुक्त दल ने स्वास्थ्य परीक्षण किया और आवश्यक दवाइयों का वितरण भी किया जाएगा। इस अवसर पर जिले के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजू निदारिया, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर सुमित यादव, जिला कार्यक्रम प्रबंधक शैलेंद्र सोनी सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे। पुनासा जनपद की ग्राम पंचायत गोयड़ा में भ्रष्टाचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट ने ग्राम पंचायत गोयड़ा में जन सुनवाई कर लोगों की समस्याओं को सुना, जिसमें फर्जी जॉब कार्ड में राशि गबन का मामला सामने आया है, जिसके बाद कलेक्टर और जिला पंचायत के निर्देश जांच अधिकारी पुनासा, APLO अधिकारी ग्राम पंचायत गोयड़ा पहुंचे और पूरे मामले की जांच की गई। वहीं जांच अधिकारियों ने फर्जी जॉब कार्ड की जांच कर आगे रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को देने की बात कही है। हम यहाँ पर कार्यालय कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई में एक आवेदन आया था, जिसमें ग्राम पंचायत जोड़ा में फर्जी जॉब कार्ड के जरिए भुगतान होना बताया गया है, जिसकी इलाज के लिए मैं जिला पंचायत से अक्रम खान, प्रभारी सीनियर डाटा मैनेजर और APO जनपद पंचायत पुनासा श्री गुरबेज खान और हमारे साथ में आए हैं जिला पंचायत श्री विजय राव योगेश राव जी। हम यहाँ पर जो भी संबंधित है उनका प्रतिवेदन लेकर, उनकी जो भी समस्या है वो नोट कर इसकी जांच करके आगामी कार्रवाई जो भी होगी उसे CO साहब को प्रस्तावित कर। पिछले एक महीने से धार जिले के कुक्षी तहसील के ग्राम कापसी कस्तूरबा बालिका छात्रावास का जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। यहाँ एक महीने पहले छात्रावास अधीक्षक सूरज चौहान को छात्रावास का गेहूं बेचते हुए सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ था, जिसको जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए निलंबित कर दिया था। वहीं छात्रावास की करीब 80 बालिकाओं ने यहां से करीब 8 किलोमीटर दूर स्थित कुक्षी थाने में पहुंचकर, इतना ही नहीं इन छात्रावास बालिकाओं ने हॉस्टल इंचार्ज के कमरे से बाहर उनके कमरे को बाहर से बंद कर दिया था। इस कार्य से शासकीय अमले में हड़कंप मच गया और धार DCP दूलीचंद रहते तुरंत हॉस्टल में पहुंचकर जांच शुरू करवा रहे हैं। कापसी हॉस्टल की जिला समन्वय के अंतर्गत आता है, लेकिन उसकी जो वार्डन है वो हमारे विभाग की अधीक्षिका है। निश्चित रूप से गेहूं के हेरा फेरी में उसको कलेक्शन में सस्पेंड निलंबित किया था, ऐसा सुना गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में, मैं हूँ आपके साथ। स्टे लिया है, स्टे में ये लिखा हुआ है कि उनको माध्यमिक शिक्षक पद पर स्टे दिया जाता है, तो निश्चित रूप से माननीय न्यायालय के तारतम्य में मैं उनको किसी भी स्थान पर माध्यमिक शिक्षक बनाकर और उनकी विभागीय जांच चालू करेंगे। वास्तविकता जब मैं यहाँ आया और मुझे वार्डन ने सुबह 8 बजे सूचना की कि बच्चियां बिना सूचना के कुक्षी थाना गई है, वहाँ पे जाने पे वार्डन और सहायक वार्डन और विद्यार्थी महोदय भी उपस्थित हुए। बच्चों से बात हुई, बच्चों ने बताया कि हमको समय से खाना और नाश्ता नहीं मिलता, इस बात की शिकायत को लेकर बच्चियाँ गोपनीय रूप से थाने को उपस्थित हुई। इसके जांच के लिए मैं यहाँ पे लिखित बयान वार्डन सहायक वार्डन बच्चियों के रसोईन के और चौकीदार के ले रहा हूँ।
जांच में जो भी बिंदु आएगा वो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के रेजिडेंसी इलाके में चंदन चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए मंत्री तुलसी सिलावट के शासकीय आवास में घुसकर चंदन के पेड़ काट दिए गए। मंत्री के बंगले में घुसे चोरों ने पास ही में बने एक और शासकीय अधिकारी के बंगले में भी चंदन के पेड़ चुराने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसियों के जागने पर चोर मौके से फरार हो गए। पेड़ चोरी के मामले में संयोजितगंज थाने में मुकदमा दर्ज करा लिया गया है। जिसमें कोई रहता नहीं है, रात के समय वहाँ पर कुछ चोर घुसे थे, चंदन काटने की कर रहे थे। इतने में ही कोई पड़ोसी ने फोन करके सूचना दी, पुलिस पहुंची तो वो लोग भागे हैं और भागने में पुलिस ने पीछा किया, कुछ लकड़ी छोड़कर वो भाग गए। अभी उनकी तलाश की जा रही है। और भी कई क्षेत्र में इस तरह से चोरी की वारदात सामने आई? हाँ, वो दो तीन जगह वो घुसे थे, पर इसी बीच में जैसे उनकी आहट सुन के किसी पड़ोसी ने फोन की सूचना दे दी, पुलिस पहुंच गई थी तो काट नहीं पाई। पुलिस सब जगह निशान लगाए थे पर पुलिस की पहुंचने से वो भाग गए, इसलिए अभी नहीं। इसके पहले भी एक बार, जो एक महीना पहले ही हमने एक गैंग पकड़ी थी जिसमें राजगढ़ के कुछ लोग पकड़ाए थे। अब पुणे उनकी जमानत हो गई है और जो दूसरी गैंग है उन पर टारगेट करके वो फुटेज मिले हैं, उसके आधार पर उनकी तलाश की जा रही है। और मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।